साथ बिजनेस ओरिएंटेशन के साथ साथ हमें सभी के साथ ये शेयर करना है कि इस प्रोसेस को कैसे मैनेज किया जाए। सो बहुत जरूरी होता है कि आप पूरे सिस्टम को कैसे विजुअलाइज कर पाते हो, अपने नए लोगों को कैसे सिस्टम में लाते हो, उनको क्या क्या टेक्निकली इजी मॉड्यूल्स इजी टूल्स सिखाते हो जिसकी वजह से उनकी प्रोसेस फास्ट हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रिपोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप जब ज्वाइनिंग करते हो तो कैसे करनी चाहिए, कहाँ पर करनी चाहिए, किसके साथ करनी चाहिए, ज्वाइनिंग में कौन सी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, बिलिंग करते हुए ध्यान क्या रखना है। देखिए, आप किसी एक शहर से हो लेकिन आपके किसी एसोसिएट को किसी और शहर में कोई और सर्विसेज की जरूरत है, बिलिंग करते वक्त लॉजिस्टिक में कहीं कौन सा एड्रेस डालना, क्या करना, इट्स ऑल वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। उससे हमारे क्लाइंट की एक कॉन्फिडेंस बढ़ता भी है। अगर गलत तरीके से कोई प्रोसेस हुआ तो प्रोडक्ट डिले मिलता है, तो एक सर्विस का लैक ऑफ सर्विस की वजह से किसी का कॉन्फिडेंस कम भी होता है। तो क्या क्या बिजनेसमैन के तौर पे हमें अपनी टीम के लिए मैनेज करना है, वेबसाइट कौन किस तरह से ऑपरेट करना है, वेबसाइट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि जब आप वेबसाइट ऑपरेट करते हो तो उस वक्त क्या देखना है, खोल कर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं करना है लेकिन क्या क्या ऑब्जर्व करना है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस टुडे। टुडेज आवर कोच मेंटोर इज मिस्टर नीलम डॉक्टर, आईटी एक्सपर्ट है, 25 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस इन आईटी प्रोजेक्ट्स, वर्किंग विद इंटरनेशनल नेशनल प्रोजेक्ट्स ऑन क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो वर्किंग टू हेल्प सो मेनी कंपनीज एज अ कंसल्टेंट फॉर देयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। सो आइए बात करते हैं, जिन्होंने SFF मॉल का ऐप डिजाइन किया है, कोई भी आपके कमेंट्स हो, कोई भी आपके इनपुट्स हो, इस पूरी सिस्टम को और ज्यादा बिल्ड करने के लिए कोई भी आपके सजेशंस हो, ही इज ऑलवेज वेलकम, ओपन टू एक्सेप्ट ऑल द सजेशंस। लेकिन आज का प्रोसेस है, इसके अंदर आप इस प्रेजेंटेशन से अपने नए एसोसिएट को इवन लिंक पास ऑन करके भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अच्छी तरह से सिखा पाओगे। सो आई इन्वाइट एंड वेलकम मिस्टर नीलम डॉक्टर ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। थैंक यू आरके, थैंक यू जानवी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू एवरीवन। चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें देखना है कि पहले से पहला चीज क्या करना चाहिए, कि हमारे पास सब टूल्स रहने चाहिए। हमारे पास क्या क्या टूल्स है, सबसे पहले मोदी केयर की वेबसाइट। मोदी केयर की वेबसाइट हम कंप्यूटर से ऑपरेट करते हैं तो उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो मोबाइल ऐप भी यूज कर सकता है। मोबाइल में दो ऐप है, एक मोदी केयर का मोबाइल ऐप है, एक बंधन करके मोबाइल ऐप है। ये बंधन करके जो मोबाइल ऐप है आप एक लेवल क्रॉस करते हो उसके बाद रजिस्टर कर सकते हो, उससे पहले नहीं रजिस्टर कर सकते। आपको क्राउन डायमंड डायरेक्टर बनना है और क्राउन डायमंड डायरेक्टर के बाद आप ये बंधन ऐप को डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर कर सकते हो। और एक मोबाइल पर शॉपिंग अलग से है, ये शॉपिंग जो है वो एकदम अलग है, उससे क्या क्या फायदे हैं वो भी हम देखेंगे। मोदी केयर की ऐप को छोड़ के हमने खुद टूल्स बनाए हैं, वी कैपेसिटेट ने खुद टूल्स बनाए हैं। इसमें SFF मॉल का ऐप है, वी कैपेसिटेट का वेबसाइट है और डेली रिपोर्ट है, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले मोदी केयर की ऐप पे जाना है। सिंपल है, modicare.com, आपका कोई भी ब्राउजर, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, ओपेरा, सफारी, कोई भी आप कंप्यूटर पे खोलोगे, modicare.com लिखोगे तो सबसे पहले जो पेज आता है उसमें आपको समझना है कि पहले पहले नोटिसेज आती है और नए प्रोडक्ट्स आते हैं, तो फर्स्ट पेज पे आपको ध्यान से पूरा मेन्यू देखना है। मोदी केयर की वेबसाइट में जो आता है उसमें सब कैटेगरीज होती है, वेलनेस, स्किन केयर, कलर, पर्सनल केयर, होम केयर, फूड एंड बेवरेजेस। तो कोई भी प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है ये सब modicare.com पे हमें दिखने लगेगी।
modicare.com एक बहुत यूजफुल वेबसाइट है। मैं भी पूरा दिन अपना सब कुछ काम modicare.com कंप्यूटर वेबसाइट से ही करता हूं और ये बहुत ही यूजफुल है। देखो सबसे पहली बात आती है कि हमें ज्वाइनिंग सीखना है, तो ज्वाइनिंग सीखने के लिए ऊपर गए जो मेनू बार है उसमें ज्वाइन modicare पे क्लिक करना है। ज्वाइन modicare पे क्लिक करोगे आप तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो तैयार रखने हैं, आधार कार्ड, पान कार्ड, 2 मोबाइल नंबर, 1 ईमेल एड्रेस और ब्लैंक चेक बुक और या तो पासबुक, ये आपको तैयार रखना है। कैसे रखना है कि आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड एक ही इमेज में आना चाहिए, सब कुछ आप पढ़ सको ऐसा होना चाहिए और चेक पे प्रिंटेड नाम होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीज अगर आपके पास है तो आप किसी का भी ज्वाइनिंग modicare में आप एज अ टीम लीडर कर सकते हो। उसके लिए क्या क्या चाहिए कि आपको पहले जब ज्वाइनिंग में आप क्लिक करोगे मुझे ज्वाइन करना है तो पहला स्क्रीन आता है उसमें आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, उस पर आपको चेक मार्क करना है, मतलब द कंसल्टेंट हु इज ज्वाइनिंग इज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। फिर वहां स्पॉन्सर का नंबर लिखना है, आपका नहीं, जो आदमी ये नए आदमी को स्पॉन्सर कर रहा है उसका नंबर लिखना है और फिर नेक्स्ट करना है। जब हम नेक्स्ट करते हैं तो एक छोटे से 2 सेकंड के लिए वो व्यक्ति का स्पॉन्सर का नाम आता है फिर चला जाता है। आपको ये नाम ध्यान से पढ़ना है, अगर आपने चूक गए और ये नाम गलत है तो वापिस जाना है बैक करके या तो फिर ज्वाइनिंग modicare अगेन दबा के बैक करना है, क्योंकि ये जो नाम दिखाते हैं वो 2 सेकंड के लिए आता है, वो रुकता नहीं है, नेक्स्ट दबाने से तुरंत वो 2 सेकंड में चला भी जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको बेसिक पर्सनल डिटेल्स पहले देनी है, बेसिक पर्सनल डिटेल्स में व्यक्ति का नाम लिखना है, उसका सरनेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ में 18 साल से ऊपर की ही डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर सकोगे, तो आधार कार्ड या पान कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आता है एड्रेस, एड्रेस में आप हाउस नंबर, स्ट्रीट वर्ड छोड़ दो, लैंडमार्क छोड़ दो, लेकिन एड्रेस बॉक्स में पूरे पूरा एड्रेस लिखना है। पूरे पूरा एड्रेस मतलब हाउस नंबर भी उसमें लिखो, स्ट्रीट वर्ड भी लिखो, लैंडमार्क भी लिखो और सिटी भी लिखो। फिर पिन कोड लिखना है, अगर आपके पास पिन कोड नहीं है तो पिन कोड जरूर लिखना है, पिन कोड लिखना छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये एड्रेस डिलीवरी टाइम पे यूज होता है, जब प्रोडक्ट डिलीवरी आती है तब यूज होता है। फिर मोबाइल नंबर, अभी जो पहला मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई करते हैं, उसमें एक वेरिफिकेशन का टिक मार्क आएगा और दूसरा वो अल्टरनेटिव मोबाइल वेरीफाई नहीं होता है। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये मोबाइल नंबर पहले modicare सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है। कोई भी मोबाइल नंबर अगर modicare सिस्टम में अगर रजिस्टर्ड है तो वो उसमें गिना नहीं जाएगा। फिर आपको ईमेल लिखना है, ईमेल का भी वेरिफिकेशन modicare करती है। नेक्स्ट करने से हमें केवाईसी करना है, तो केवाईसी में हमें पान कार्ड नंबर डालना है, नीचे पान कार्ड सिलेक्ट करना है, आधार कार्ड डालना है और आधार कार्ड सिलेक्ट करना है। आईडी प्रूफ में 4 डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास पान कार्ड और आधार कार्ड क्लाइंट का नहीं है, कंसल्टेंट का नहीं है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हो एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ की जगह पे, पासपोर्ट यूज कर सकते हो एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ की जगह से, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको खाली एड्रेस प्रूफ के लिए यूज कर सकते हो, रेंट डॉक्यूमेंट जो है कोई ऐसा जिसमें एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस प्रूफ में यूज कर सकते हो, और ब्राउज करके आपको दोनों इमेजेस जो पहले बताई वो अपलोड करनी है जो आपके कंप्यूटर में कोई जगह पे सेव है। फिर नेक्स्ट दबाने से आपको उनकी बैंक डिटेल्स डालनी है, यहाँ पे जो नाम आएगा तो कंसल्टेंट का नाम जो चेक पे प्रिंटेड है वही यहाँ पे लिखना है, अगर चेक पे अलग लिखा है तो वो यहाँ नहीं लिख सकते, आपको एग्जैक्टली चेक पे लिख जो प्रिंटेड नाम है वही लिखना है, आईएफएससी कोड लिखना है और अकाउंट नंबर 2 बार डालने हैं। जब हम अकाउंट नंबर 2 बार डालेंगे तभी ये वेरीफाई होगा, ब्राउज करके चेक का फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करना है और रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं तो 2-3 सेकंड में एक ऐसा मैसेज स्क्रीन पे आएगा,
डियर महेश पटेल, यू हैव बीन सक्सेसफुली एनरोल्ड एज मोदी केयर कंसल्टेंट नंबर विद एमसीए नंबर सो एंड सो. काइंडली एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन बाय एक्सेप्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस सेंड थ्रू द लिंक टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. तो जो यूजर है, जो नया कंसल्टेंट है, उसके मोबाइल पे एक एसएमएस जाएगा. वो एसएमएस आएगा, वेलकम टू मोदी केयर, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड टू मोदी केयर एंड एक्टिवेट थ्रू दिस लिंक. तो आपको वो कंसल्टेंट को बता देना है कि ये लिंक पे क्लिक करें और एक्टिवेट करें. उनका एमसीए नंबर क्या है और उसके साथ मोदी केयर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसका पासवर्ड भी दिया जाता है. तो पासवर्ड मोदी केयर ऑटोमेटिक जनरेट करके उनको देती है. ये पासवर्ड अंदर जाके हम खुद भी बदल सकते हैं. अब हम दूसरी एक बात ध्यान में रखेंगे कि मोदी केयर में हमें अगर कोई चीज ढूंढनी है तो कहां से ढूंढे. तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्ट अस में स्टोर लोकेटर. तो स्टोर लोकेटर से हमें पता चलता है कि मोदी केयर के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स या कोई भी चीज मोदी केयर की कहां कहां पे है. तो ये चीज ढूंढने के लिए हमें कॉन्टेक्ट अस स्टोर सेंटर पे क्लिक करना है. तो सबसे पहला पेज आएगा जिसमें मोदी केयर का सक्सेस सेंटर, मोदी केयर का लाइफस्टाइल सेंटर, मोदी केयर के सुपर स्टोर और मोदी केयर की एक्सेस पॉइंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कहां कहां पे है. सबसे पहले हम क्लिक करेंगे मोदी केयर सक्सेस सेंटर पे. तो मोदी केयर सक्सेस सेंटर में हम देख सकते हैं कि ये सक्सेस सेंटर कहां कहां पे है, कौन सी मेजर सिटीज में है, उनका पूरा एड्रेस क्या है. यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है वो हमारा हेल्पलाइन नंबर है और ईमेल भी हमारा हेल्पलाइन वाला जो ईमेल सपोर्ट सिस्टम वाला है और यहाँ वीकली ऑफ होता है संडे को. तो ये सब जगह सिटी में मोदी केयर का सक्सेस सेंटर है. सक्सेस सेंटर में जाके आप खुद सेमिनार भी कर सकते हो. यहाँ पे सब प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होते हैं, आप अपने कंसल्टेंट को वहां पे ले भी जा सकते हो. दूसरा जो आएगा मोदी केयर लाइफस्टाइल सेंटर. मोदी केयर लाइफस्टाइल सेंटर जो है वो अलग अलग सिटीज में भी है, उनका एड्रेस, वहां का लोकल रीजनल फोन नंबर है. यहाँ पे सपोर्ट का फोन नंबर नहीं है और जहां पे ईमेल आईडी है तो वो मोदी केयर का जो सक्सेस सेंटर चला लाइफस्टाइल सेंटर चलाता है उनका ईमेल आईडी है. तो आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे मोदी केयर सुपर स्टोर है. सुपर स्टोर खाली दिल्ली में है अभी, जहाँ एक बड़ा सा मॉल है स्टार बाजार डीमार्ट जैसा और दो सेंटर पे है. वहां पे आप अगर दिल्ली में हो तो वो विजिट भी कर सकते हो, बहुत अच्छा बना हुआ है. टीएफएस सेंटर, टीएफएस स्टोर, ये स्टोर दिल्ली और हरियाणा में है. यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलती है, आप खरीद सकते हो और ये सेंटर्स भी नए नए सिटीज में खोल रहे हैं. फिर हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे. तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट स्टेट वाइज, सिटी वाइज और जोन वाइज है. मोर देन 10,000 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है तो उसको आपको स्टेट वाइज ढूंढ सकते हो, सिटी वाइज ढूंढ सकते हो या जोन वाइज ढूंढ सकते हो. तो हम एक ट्राई करेंगे कि हम सिटी वाइज ढूंढ के उनको देखेंगे और वहां से जो एड्रेस मिलता है हमें वो एड्रेस में नाम, डीपी कोड क्या है, कौन सी सिटी में है, उनका पूरा एड्रेस, पूरा फोन नंबर और मोदी केयर ने जब ये विजिट किया था, मोदी केयर के रिप्रेजेंटेटिव ने विजिट किया था तो उन्होंने क्या रेटिंग दिया था, 5-star रेटिंग, 4-star रेटिंग, 3-star रेटिंग. तो आप प्रिफर करते हैं कि यूजुअली 4-star और 5-star रेटिंग पे ही आप स्टोर पे जाए और उनको बात करें क्योंकि 5-star रेटिंग में सब प्रोडक्ट मिलेगी आपको. वापस मोदी केयर के होम पेज पे जाते हैं और होम पेज पे हम देखते हैं कि होम पेज पे होम केयर में प्रोडक्ट्स कौन सी लिस्टेड है. कोई भी एक प्रोडक्ट जो लिस्टेड है उस पर हम अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो डिटेल में देते हैं. तो डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन और फीचर्स मिलेगा. किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि फ्रूटवेज में क्या क्या है, फ्रूटवेज का एडवांटेजेस क्या है और उसके फीचर्स और बेनिफिट्स क्या है, ये आपके पास है. तो कोई भी कंसल्टेंट आपको अगर पूछता है कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या है तो आप सीधा मोदी केयर की वेबसाइट पे जाए, फ्रंट पेज पे जाके आप वो प्रोडक्ट ढूंढे और वहां से डिस्क्रिप्शन और सब कुछ ले ले. वहां पे आपको खाली एमआरपी दिखाई देगा, वहां डीपी नहीं दिखाई देगा जो हमें
परचेस प्राइस मिलती है। तो अगर डीपी देखना है तो हमें साइन इन करना पड़ेगा और डीपी प्राइस देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि हम साइन इन कैसे करेंगे। साइन इन करने के लिए ऊपर जो साइन इन बटन है, ज्वाइन इन, ज्वाइन नाउ करने, ज्वाइन मोदी केयर के बाजू में, उसको क्लिक करेंगे तो एक छोटी विंडो आएगी जहां आपको आपका एमसीएन नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है और एक पजल सॉल्व करना है। जब हम एमसीएन नंबर, पासवर्ड एंड पजल सॉल्व करते हैं, लॉग इन करते हैं तो साइन इन कर सकते हैं। बट लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मोदी केयर ने जब एसएमएस भेजा तो वो एसएमएस हफ्ते पहले भी आया है, हम पासवर्ड शायद भूल भी गए हैं, तो हमें फॉरगॉट पासवर्ड पे भी क्लिक करके पासवर्ड को ढूंढ सकते हैं। तो हम अगर फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड ढूंढना चाहते हैं तो नीचे फॉरगॉट पासवर्ड है, वहां पे आप क्लिक करो। तो वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये स्क्रीन में आप एमसीएन नंबर डालोगे, पजल सॉल्व करोगे और सबमिट करोगे तो आपका पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। आपने जो मोदी का रजिस्ट्रेशन किया तब प्राइमरी फोन नंबर, पहला फोन नंबर जो दिया है और पहला ईमेल एड्रेस जो दिया है, वहां आपका पासवर्ड जाएगा। ये पासवर्ड के साथ आप वापस लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन स्क्रीन में जाके आपका एमसीए नंबर लिखो और पासवर्ड लिखो और ये पजल सॉल्व करो और तब आपको लॉगिन करने को मिलेगा। जब हम लॉगिन करते हैं तो हमें डैशबोर्ड दिखता है। डैशबोर्ड कुछ ऐसा होता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में माई प्रोफाइल होता है, आपने अकाउंट डेट मतलब आपने अकाउंट कब ज्वाइन किया, आपका लोकेशन क्या है, आप कौन सी सिटी से हो, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, पेड एज टाइटल क्या है और वैलिड टाइटल। पेड एज टाइटल का मतलब है कि आपको चेक कौन से टाइटल पे मिलेगा और कैसे मिलेगा। वैलिड टाइटल मतलब प्रीवियस मंथ जो टाइटल था वो प्रीवियस मंथ का टाइटल आपको मिलेगा। और एनरोलमेंट लेवल, एनरोलमेंट लेवल का मतलब है कि आप एक से एनरोलमेंट होते हो। सपोज कि मेरा एनरोलमेंट नंबर 10 है, मेरे नीचे आरके है तो आरके का एनरोलमेंट नंबर होगा 11, उसके नीचे कोई है तो उसका होगा 12, उसके नीचे कोई है तो उसका होगा 13। तो ये एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कोई भी लेवल पे एनरोलमेंट हो। मेरी टीम में 48 एनरोलमेंट लेवल पे भी लोग है। प्रीवियस मंथ क्यूमुलेटिव पे भी, अगर आप नए हो तो आपका प्रीवियस मंथ का क्यूमुलेटिव पॉइंट वैल्यू 0 होगा, एक्स्ट्रा पीवी 0 होगा अगर आपने अवेल नहीं किया है तो। अगर आपने शॉपिंग की है तो पीवी और बीवी यहां दिखाए जाएंगे। बिजनेस समरी में, बिजनेस समरी में पीवी और बीवी दिखाए जाएंगे। ग्रुप पीवी एंड ग्रुप बीवी, तो ये आपका ग्रुप का हुआ, आपने खुद किया और आपके ग्रुप ने किया। आपका ग्रॉस पीवी क्या है, करंट लेवल क्या है, अगर आप 7% पे हो तो 7% दिखाया जाएगा और नेक्स्ट लेवल पे क्या जा सकते हो तो 10% दिखाया जाएगा। पॉइंट शॉर्ट बाय पीवी मतलब आपको पीवी कितने कम पड़ रहे हैं वो अचीव करने के लिए, तो आपको अभी 178 पीवी कम पड़ रहे हैं 10% अचीव करने के लिए। रोल अप लेग्स, क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स एंड पेड एस टाइटल, ये सब 0-0 है। उनका मेन रीजन क्या है कि आपने 16% डायरेक्टर लेवल अचीव नहीं किया। तो ये एक बिजनेस समरी है फर्स्ट पेज के ऊपर। उसके बाजू में दो लेफ्ट एंड राइट एरोज है, वो लेफ्ट एंड राइट एरोज पे क्लिक करोगे तो आप ये फर्स्ट पेज के सेकंड पेज पे जा सकते हो। सेकंड पेज में एम वॉलेट समरी है, मतलब मोदी केयर का एक एम वॉलेट है जिसके अंदर हम पैसा डाल के शॉपिंग कर सकते हैं, और पैसा डालने के बाद शॉपिंग करते हैं तो उसका समरी यहाँ आता है और आपका केवाईसी या एनईएफटी का स्टेटस क्या है वो भी यहाँ से पता चलता है। जब हम एक लेवल क्रॉस करते हैं तो फॉर्म 16 यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी लेवल क्रॉस करने से हमें टैक्सेशन भरना पड़ता है, तो मोदी केयर टीडीएस काटती है आपका जब कमीशन 10,000 से ऊपर जाता है, और 10,000 से ऊपर जाता है तो आपका फॉर्म 16 यहां से आप डाउनलोड करके आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे सकते हो रिटर्न भरने में। और ये सब चीज बहुत काम की है। कई लोग पूछते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो आपको आपकी वेबसाइट पर लॉग इन करना है, आपको नेक्स्ट करना है, फॉर्म 16 डाउनलोड करना है, वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को सबमिट करना है। वापस हम जाते हैं फर्स्ट पेज पे, तो ऊपर जो नाम लिखा हुआ है
और नाम और MCA नंबर कॉर्नर में लिखा हुआ है राइट एंड टॉप कॉर्नर में, उस पर क्लिक करोगे तो ये मेनू आएगा जिसमें हम पासवर्ड चेंज की सुविधा कंपनी ने दी है। तो कंपनी जब हमें पासवर्ड मोबाइल ऐप पे भेजती है तो वो कभी कभी याद नहीं रहता, तो अगर हमें चेंज करना है, मैंने खुद चेंज किया हुआ है मेरा, तो वो चेंज करने के लिए हम पासवर्ड क्लिक पे चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो पूरा मेनू का डिस्क्रिप्शन, अगर आप 3 बार पे क्लिक करोगे तो पूरा एक्सपांड हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि दीज आर द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन मोदी केयर। डैशबोर्ड मतलब पहला पेज, फिर हम एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इसमें सब कुछ क्या है। तो पहले हम देखते हैं प्रोफाइल। ये जो मेनू है, आप प्रोफाइल खोलोगे तो क्रिएट रेफरल लिंक, प्रिंट आईडी कार्ड, माय प्रोफाइल, तो ये पूरा प्रोफाइल का मेनू है। प्रोफाइल के मेनू में जब हम क्रिएट रेफरल लिंक करते हैं मोदी केयर में, तो हमारा नाम लिखते हैं, रेफरेंस वाले के मोबाइल नंबर लिखते हैं और उनको व्हाट्सएप बटन जो है ग्रीन कलर का, उस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने व्हाट्सएप वेब ये कंप्यूटर पर डाला है तो व्हाट्सएप वेब ओपन होगा और उसको डायरेक्टली मैसेज जाएगा। अगर आप मोबाइल से मोदी केयर का ऐप खोल रहे हो तो भी वो व्हाट्सएप खोलेगा और वहां से डायरेक्टली वहां एक मैसेज जाएगा। तो ये रेफरल लिंक बहुत यूजफुल है कि कोई भी आदमी आपको रिफर, आप जिसको रिफर करते हो वो खुद ज्वाइनिंग कर सकता है। आपका आईडी कार्ड का इंपॉर्टेंस क्या है कि एक ऑथेंटिसिटी है कि यू आर राइट नाउ एट दिस लेवल। तो यहाँ पे आपका MCA नंबर और नाम होता है और बैक साइड के ऊपर मोदी केयर की टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपसे एक्सेप्ट की है वो लिखी हुई होती है। आपको एक बार ये देख लेना चाहिए, अगर प्रिंट करे ना करे वो बात अलग है, लेकिन आपको देख लेना चाहिए। नीचे है मोदी केयर शॉप। अभी मोदी केयर शॉप का इम्पोर्टेंस इतना सारा है कि मैं ये पहले कवर करता हूँ, क्योंकि मोदी केयर इनकम में 8 तरह की इनकम में दूसरी इनकम है रिटेल प्रॉफिट। तो ये शॉप में जो है वो शॉप का URL है shop.modicare.com/your MCA number। जो आपका MCA नंबर है वो है शॉप का, आपको नाम लिखना है। सपोज कि मेरा नाम है तो मैं लिखूंगा नीलम डॉक्टर शॉप या नीलम शॉप, और मेरा एक इमेज अपलोड करना है। अगर मैं इमेज अच्छा अपलोड करता हूं तो लोगों को ये इमेज दिखेगा। और 2 मैसेज मोदी केयर ने दिए हुए हैं, वेलकम टू माई शॉप एट मोदी केयर, वी आर एन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और ये मैसेज में आपका नाम भरना है। सिमिलरली दूसरा मैसेज है, मोदी केयर हैज बीन सिंस लास्ट 26 इयर्स, मोदी केयर इज इंडियाज लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और इसमें भी आपका नाम और मोबाइल नंबर लिखना है। ये सेव कर लोगे और आप नई एंट्री बना सकते हो। नीचे से आप एंट्री सिलेक्ट कर सकते हो और मोदी केयर का शॉप का ये URL आप किसी को भी दे सकते हो। किसी को भी व्हाट्सएप में आपने मैसेज किया और shop.modicare.com/my MCA number 1234567 8, तो वो एक नया वेबसाइट खोलेंगे, अपने आप खुल जाएगा। ऊपर मैंने ये modicare.com का शॉपिंग वेबसाइट का URL लिखा हुआ है, वो ग्रे में है, और नीचे जो पेज खुलेगा वो मोदीकेयर का शॉप आएगा, उसमें आपका नाम लिखा होगा, ये फोटोग्राफ में आपका फोटोग्राफ होगा और दिस विल बी योर शॉप। और ये शॉप से जो भी शॉपिंग करेंगे कोई भी आदमी, तो उसमें क्या क्या एडवांटेजेस वो हम देखते हैं। तो जो आदमी को ये URL मिलती है वो यहाँ पे सबसे पहले उनका पिन कोड नंबर लिखेगा। पिन कोड नंबर लिखने से सिटी और स्टेट अपने आप आ जाएंगे। तो ये डिलीवरी मोड सिलेक्ट करना है, हमेशा यहाँ पे डिलीवरी मोड कुरियर ही होगा, और फिर वो नेक्स्ट बटन दबा सकता है। नेक्स्ट बटन दबाने से उसको हमारी सब कैटेगरीज दिखेगी, तो ये कैटेगरीज में उसको जो भी पसंद है, जिसमें भी उसको शॉपिंग करना है, ये इतना Amazon और Flipkart जैसा इजी है कि वो कर सकता है और 100% कर सकता है। इसमें वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनकी खुद की शॉप हो गई, मेरी खुद की शॉप हो गई, तो ये जो URL है उसमें मैंने अभी पर्सनल केयर लिया, तो उसमें मैंने टी पे सर्च किया है। ऊपर मैंने सर्च बार में लिखा टी, तो टी पे सर्च किया और यहाँ से मुझे टी नाम वाला जो भी प्रोडक्ट है वो दिखाई दे रहा है, और उसमें से मैं कोई भी एक प्रोडक्ट में सोल फ्लावर्स टी में मैं एक लिखता हूँ और ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो ये मुझे ऐड टू कार्ट
हो जाएगी। तो ऐड टू कार्ट कट जब होगी तो ऊपर जो कार्ट का बटन है उसमें ब्लू आइकॉन आ जाएगा कि मेरे कार्ट में एक आइटम ऐड हो गई है। जब वो नेक्स्ट करेगा और या कार्ट पे क्लिक करेगा तो प्रोडक्ट पे क्लिक करने से भी उसको डिटेल में आएगा और ऐड टू कार्ट करेगा और वो कार्ट यहाँ पे दिखेगा कि यह प्रोडक्ट हैज बीन एडेड टू द कार्ट। जब हम कार्ट पे क्लिक करते हैं तो कार्ट में एक समरी आती है, समरी में मैंने एक ही प्रोडक्ट लिया है, खाली चाय लिया है और वो चाय का टोटल है 202 क्योंकि उसमें शिपिंग चार्जेस 77 है और नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि एड आइटम्स मोर देन 1875 टू गेट फ्री शिपिंग। अभी आप सोचोगे कि हमें एज अ कंसल्टेंट 4000 पे शिपिंग फ्री है और यहां पे 2000 के ऊपर शिपिंग फ्री होता है, तो यहां पे 2000 पे शिपिंग फ्री क्यों होता है, कैसे होता है? क्योंकि ये अट्रैक्ट करने के लिए है कस्टमर को। अगर हम चेकआउट करेंगे तो चेकआउट करने से एक स्टैंडर्ड गेटवे आएगा, उससे पहले हमें यूजर ने सब डिटेल्स देनी है जिसमें आपका एमसीए नंबर, आपका एमसीए का नाम, उसने क्या क्या प्रोडक्ट लिए और आपको कैसा कितना पैसा भरना है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे भी खाली एड्रेस डालना है और दो मोबाइल नंबर आर वेरी इंपॉर्टेंट। दो मोबाइल नंबर के बाद नीचे ईमेल एड्रेस डालना है और बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक स्टैंडर्ड पेमेंट गेटवे आएगा जिसमें कार्ड, वॉलेट, पेटीएम, नेट बैंकिंग, यूपीआई, स्कैन एंड पे एंड गूगल पे किसी भी पेमेंट मोड से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के वो शॉपिंग करेगा तो सबसे पहला एडवांटेजेस क्या है कि जब हम ये यूआरएल किसी को देते हैं, शेयर द यूआरएल डायरेक्टली टू एसएमएस और व्हाट्सएप, शेयर टू नोन एंड अननोन फ्रेंड्स, यूजर बाइज एट एमआरपी। अभी यहां देखने वाली बात क्या है कि मैंने मेरे पड़ोसी को रिटेल में सेल कर रहा था लेकिन मैं बाहर का हूं, मैं नहीं दे सकता, मैं उनको बोलूंगा कि आपको ये प्रोडक्ट लेना है, आपके घर पे होम डिलीवरी आ जाएगी, ये यूआरएल पे क्लिक करो। तो आपका यूआरएल जो एमसीए नंबर है वो 1234 3456 में आपको चेंज करना है और उनको व्हाट्सएप पे भेजना है। जब वो शॉपिंग करेंगे तो वो एमआरपी भरेंगे, वो ज्वाइन नहीं करते। यू विल गेट बिजनेस वॉल्यूम एंड पॉइंट वैल्यू बेस्ड ऑन दिस बिल। अगर किसी क्लाइंट ने शॉपिंग किया है तो उसको आपको पीवी बीवी मिलेगा, बराबर। और जब ये रिपोर्ट जनरेट होगा तो प्रीवियस ऑर्डर्स में जो आदमी ने अगर शॉपिंग किया है तो उसका नाम, एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी अंदर आ जाएगी। अगर मैंने व्हाट्सएप के कोई भी ग्रुप में अगर ये यूआरएल दिया और 4 प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ लिए तो लोगों को बुलाने के लिए ये इजी है कि वो खुद शॉपिंग करेंगे, खुद प्रोडक्ट परचेस करेंगे कि मैंने व्हाट्सएप पे दे दिया ऐसे ही यूआरएल और रेगुलरली देता हूं, मुझे नए लोग चाहिए, तो किसी ने बॉम्बे से ये यूआरएल को क्लिक किया, 4 प्रोडक्ट शॉपिंग की, 1000 रुपए का शॉपिंग किया या 2000 का किया, तो मुझे प्रीवियस ऑर्डर जब हम देखते हैं रिपोर्ट में तो मुझे ये सब कुछ डिटेल्स उसकी मिल जाती है। तो मैं उसको फोन करके उसको पूरा प्लान समझा के और उसको मैं डायरेक्ट हमारा कंसल्टेंट भी बना सकता हूं। तो ये shopping.modigare.com है, उनका एडवांटेज बहुत है। अब हम जाते हैं मोदी के शॉप के बाद अपडेटिंग एड्रेस। तो आपको अगर एड्रेस अपडेट करना है तो अपडेट एड्रेस प्रोफाइल में जाके आप कर सकते हो, जिसमें आपको एड्रेस, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और डिस्क्लेमर में आपको क्लिक करना है। आप जब एड्रेस अपडेट करोगे आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा जो मोबाइल रजिस्टर्ड है, तो आप एड्रेस चेंज कर सकते हो। ये एड्रेस चेंज करने की जरूरत होती है क्योंकि हम एड्रेस चेंज करते हैं साल दो साल अगर रेंट पे रह रहे हैं तो। फिर हमें अपडेट एड्रेस ऑफ डाउनलाइन, तो यहाँ पे डाउनलाइन का नंबर लिखना है क्योंकि कभी कभी डाउनलाइन नया होता है, उसको एड्रेस अपडेट करना नहीं आता, उन्होंने आपको भेज दिया, तो आप उनका भी एड्रेस अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एमसीए नंबर डालना है, शो डिटेल्स करके उनका एड्रेस जब आएगा तो वो एड्रेस में प्रीवियस स्क्रीन की तरह आपको डिटेल्स सब भरनी है और ये सब डिटेल्स भरने के बाद वो एक्सेप्ट करना है। लेकिन यहाँ पे जब आप चेंज करोगे तो ओटीपी नंबर जाएगा डाउनलाइन के पास
और वो ओटीपी 30 मिनट्स के लिए वैलिड होगा, तो आपको वो ओटीपी लेके यहाँ डाल के फिर वो उनका डाउनलाइन का एड्रेस अपडेट कर सकते हो। आपको केवाईसी किसी का अपडेट करना है तो केवाईसी अपडेट करने के लिए आपको मोदी घर का एमसीए नंबर पासवर्ड तो चाहिए, और यहाँ पे जब आप अपडेट केवाईसी पे आओगे तो यहाँ पे यहाँ जो अभी ग्रीन लिखा है अप्रूवल हो गया है, उसकी जगह पे रेड में लिखा होगा कि वेदर इट इज अप्रूव और डिसअप्रूव। तो अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो उसका स्पेसिफिक रीजन होगा कि इट इज नॉट एलिजिबल, ओनली द बैक साइड इज अपलोडेड, द फ्रंट साइड इज नॉट अपलोडेड, क्योंकि आधार कार्ड में बैक साइड में नाम नहीं होता है। तो अगर आप खाली बैक साइड अपलोड करते हो तो 99% केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आदमी का नाम नहीं है, खाली आधार कार्ड का नंबर है। तो जो अप्रूव कर रहा है उसको पता नहीं चलता है कि बैक साइड किसका है। तो आपको दोनों बैक साइड और फ्रंट साइड साथ में क्लब करके एक इमेज बना के अपलोड करनी है, पैन कार्ड भी अपलोड करना है, और अपडेट करोगे तो आपकी केवाईसी अपडेट हो जाएगी। अगर आपका केवाईसी अप्रूव हो गया है तो आप फिर से अपडेट नहीं कर सकते। फिर जाते हैं एनईएफटी में। एनईएफटी आपका अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है आप फिर बदल सकते हो कि मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक चेक दिया था और वो चेक के हिसाब से मेरे अकाउंट में रजिस्टर हो गया था, लेकिन अब इनकम बढ़ने लगी है और मुझे बैंक बदलनी है, तो आप ये बदल सकते हो, आप केवाईसी नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे आपको वापस आपका नाम जो बैंक में लिखा है उसका नाम लिखना है, आईएफएससी कोड लिखना है। आईएफएससी कोड लिखोगे तो नाम और पता बैंक का अपने आप आ जाएगा। आपको अकाउंट नंबर दो बार क्लिक करना है, आपको नया चेक का इमेज जो है वो अपलोड करना है और अपडेट करना है, तो आपका ये चेक भी अप्रूव हो जाएगा। तो अप्रूव करने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है। अब हम जाते हैं कि कई बार क्या होता है कि ईमेल एड्रेस और फोन नंबर चेंज करने हैं, तो मुझे अगर ईमेल एड्रेस या फोन नंबर चेंज करना है तो मैं अपडेट ईमेल एंड फोन पे क्लिक करूंगा, तो यहां आएगा टू अपडेट ईमेल नंबर क्लिक हियर, टू अपडेट मोबाइल नंबर यू हैव टू क्लिक हियर। तो हम पहले ईमेल की बात करेंगे। तो ईमेल अगर चेंज करना है तो आपको ईमेल आईडी डालना है और आपको एक नया ओटीपी आएगा, ये ओटीपी मोबाइल पे जाएगा। मतलब क्या हुआ, ईमेल एंड मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक एंड ऑल्टरनेटिव भी चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे ईमेल एड्रेस चेंज करना है तो ओटीपी मोबाइल पे आएगा, और अगर मोबाइल नंबर चेंज करना है तो ओटीपी ईमेल पे आएगा। तो दोनों हम चेंज कर सकते हैं, और ये अपडेट करते हैं तो हमारा नया मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट हो जाता है। फिर नीचे आता है डीपी रिक्वेस्ट। डीपी रिक्वेस्ट मतलब आपको खुद को डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खोलना है आपके घर के एड्रेस में, या कोई शॉप आपको दुकान रेंटेड ली है या खुद की दुकान है तो वहां डीपी खोलना है। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, राइट नाउ पहली बार जब कंसल्टेंट आता है वो देखता है, तो कंसल्टेंट इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर डीपी व्हेन ही और शी रीचेस अ मिनिमम लेवल ऑफ 13%। तो उनको उनका लेवल 13% करना है, मतलब 1201 पीवी से ऊपर करना है, मतलब 64,800 डीपी का वो ग्रुप शॉपिंग करेंगे तो उनका लेवल ऊपर आएगा, तब उन्होंने जो डिटेल्स दी है वही डिटेल्स के ऊपर डीपी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। तो डीपी इंफॉर्मेशन डालेंगे, फिर डीपी रिक्वेस्ट आएगा, पेमेंट आएगा और ऑर्डर टोटल वैल्यू का होगा, तो आप डीपी ओपनिंग कर सकते हो। डीपी ओपनिंग की डिटेल्स के लिए हम अलग सेशन करेंगे और वो कभी भी कर सकते हैं। फिर हम आते हैं रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स का इम्पोर्टेंस क्या है कि रिपोर्ट्स में हमें हमारी लॉयल्टी कितनी हुई है वो देख सकते हैं। तो हमारी लॉयल्टी देखने के लिए हम लॉयल्टी पे क्लिक करेंगे और हमारा जो एमसीए नंबर है उस पर क्लिक करके व्यू करेंगे तो हमारा टोटल शॉपिंग का एक रिपोर्ट आ जाएगा, जिसमें हमने जो महीने से लॉयल्टी शुरू की है वो महीना पहला महीना होगा, और कितने महीने तक हम एलिजिबल है और कैसे शॉपिंग कर रहे हैं उसका लॉयल्टी रिपोर्ट आएगा। हम हमारी डाउनलाइन की भी देख सकते हैं, और डाउनलाइन की देखने के लिए हमारे पास ऑप्शंस जो है उसमें अलग अलग है कि शो हु इज मिसिंग बाय 100। अगर किसी ने 2500 का स्टार्टिंग पॉइंट है तो अगर किसी ने 2400 किया है तो यहाँ पे शॉर्ट बाय 100 और ऑल डाउनलाइंस, तो ये सब हम देख सकते हैं कि कितना शॉर्टेज है और कितना उसका वैल्यू है। नेक्स्ट हम जाते हैं
सर्च बाय प्रीवियस ऑर्डर्स, नहीं हम एम वॉलेट में जाते हैं। तो एम वॉलेट में पहला है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एम वॉलेट। अब एम वॉलेट है क्या, पहले वो समझते हैं। तो एम वॉलेट है, एक मोदी कैर ने हमारे एमसीए नंबर पे एक बैंक अकाउंट खोला हुआ है जिसमें हम पैसा जमा कर सकते हैं। ये पैसा जमा कर सकते हैं और मोदी कैर इसमें पैसा डाल भी सकती है, तो उसको एम वॉलेट बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस एक है कि जब हमें चार बिल बनाने हैं, 1,000, 2,000, 3,000 और 5,000, मतलब 11,000 के बिल बनाने हैं, या तो हमारे डाउनलाइन के भी बिल बनाने हैं, किसी के भी बिल बनाने हैं, तो उतना पैसा मैं पहले से एम वॉलेट में डाल देता हूं। जब ये पैसा एम वॉलेट में डाल देता हूं तो मुझे शॉपिंग करने में इजी हो जाता है, क्योंकि मैं अपने एम वॉलेट से वो पैसा स्पेंड कर सकता हूं। दूसरा है कि जब हम शॉपिंग करते हैं 1,000, 2,000 और 3,000 की, तो तीन अलग बिल में शिपिंग चार्जेस ऐड होता है 77 रुपीज, क्योंकि हर एक बिल का वैल्यू 4,000 नहीं है। लेकिन ये शिपिंग चार्ज जब ऐड होता है और जब वो डिलीवरी पे जाता है तो कंपनी को पता चलता है इट हैज टू बी डिलीवर्ड एट द सेम एड्रेस ऑन द सेम डे, सो कंपनी विल रीइंबर्स 77 रुपीज टू योर एम वॉलेट। तो ये पैसा वापिस आएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने क्रेडिट भी किया है मुझे, ये पैसा मेरे अकाउंट में वापस आएगा इन मल्टीपल्स ऑफ 77 रुपीज। सो योर एम वॉलेट कीप्स ऑन चेंजिंग, सो यू नीड टू चेक योर एम वॉलेट हाउ मच इट इज इंक्रीजिंग, फिर वो एम वॉलेट में से आप शॉपिंग कर सकते हो। एम वॉलेट को एक्टिव रखना आसान है और आप कर सकते हो। आपको एम वॉलेट क्रेडिट करना है तो आपको क्रेडिट में एम वॉलेट पे जाना है, वहां एक अमाउंट का बॉक्स आएगा, वो अमाउंट के बॉक्स पे आपको अमाउंट लिखना है और पे ऑनलाइन करना है। तो पे ऑनलाइन करोगे तो आपको स्टैंडर्ड गेटवे जो है, जिसमें कार्ड वॉलेट पेटीएम नेट बैंकिंग यूपीआई स्कैन एंड पे एंड गूगल पे आ जाएगा। जब हम करेंगे तो ये हमारे एम वॉलेट में पैसा डायरेक्टली आ जाएगा। उसका प्रोसीजर जो है वो सबको यूजुअली आता होगा, अगर किसी को नहीं आता है तो मुझे पर्सनली फोन करके पूछ सकते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि एम वॉलेट रिक्वेस्ट, आपने कितनी रिक्वेस्ट भेजी है और कितनी फेल हुई या सक्सेस हुई, उनका एक स्टेटमेंट आता है। तो आपको फ्रॉम डेट और टू डेट लिख सकते हो। फिर नीचे आता है कूपन एंड ओटीपी समरी। जब हम लॉयल्टी की कूपन जनरेट करते हैं तो वो कूपन कितनी बाकी है, कितनी एक्टिव है, कितनी नॉट एक्टिव है, तो उनका समरी यहाँ पे आता है। कि कोई भी चीज आप अगर करते हो तो लॉयल्टी का कूपन कोड नंबर यहाँ पे दिखता है, और ये जो एक्टिव है वो आप किसी को भी दे सकते हैं। अभी हम बात करेंगे ऑर्डर्स, कूपन का समरी है। तो ये कूपन का समरी है, उसमें जो आपने ओटीपी जनरेट हुआ है वो ओटीपी नंबर भी आता है। अभी ये इंपॉर्टेंट कब है और कैसे है कि जब आप कोई डीपी पे जाते हो और डीपी पे आप लॉयल्टी लेने जाते हो और आपके पास मोबाइल घर पे है या वाइफ के पास है, वो बंद है, और आपने वाइफ के नाम से एमसीए नंबर रजिस्टर किया हुआ, और आप कोई डीपी पे जाते हो और वहां से आपको जनरेट करते हो कि मुझे लॉयल्टी चाहिए, तो जो डीपी मैनेजर है वो लॉयल्टी जनरेट करेगा, वो कूपन करेगा, एक ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पे। अभी आपके पास वो मोबाइल नंबर नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो आप आपके आईडी से मोदी केयर की वेबसाइट पे आप लॉगिन कर सकते हो और वहां पे ओटीपी नंबर आप देख सकते हो कि ये ओटीपी नंबर कौन सा जनरेट हुआ है। तो लास्ट ओटीपी नंबर जनरेटेड वाज 729 एंड आई हैव गिवन दैट टू माय डीपी मैनेजर, और डीपी मैनेजर ने वो लिया तो वो हो गया। बराबर, हमारे पास कूपन का समरी है, ओटीपी समरी है, ऑफर्स कितने हमने एक्सेप्ट किए, रिजेक्ट किए, और ओटीपी रिजेक्शन समरी है। तो ये चार है कि मैंने कोई ओटीपी आया लेकिन ओटीपी रिकवर नहीं हुआ, और उसका भी समरी आता है। तो एम वॉलेट में ये सब इंपॉर्टेंट चीजें है। अब हम जाएंगे ऑर्डर्स और बिलिंग में। ऑर्डर्स और बिलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर्स और बिलिंग पे क्लिक करेंगे तो ऐसा स्क्रीन आएगा जिसमें राइट हैंड साइड पे नेक्स्ट है, लाल बॉक्स के
पर दिखा हुआ है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट टेबुलर या ग्राफिकल फॉर्म में देख सकते हैं। टेबुलर या ग्राफिकल का मतलब है कि एक रो वाइज आएगा, एक में सब इमेजेस आएंगी। फिर हम हमारे एमसीए नंबर या डाउनलाइन के एमसीए नंबर पे भी हम शॉपिंग कर सकते हैं, और हम शॉपिंग करते हैं तो शिपिंग एड्रेस खुद का, डाउनलाइन का, या तो किसी और अननोन एड्रेस जो हमारे मोदी केयर सिस्टम में नहीं है उनका भी एड्रेस लिख सकते हैं। तो जब हम डाउनलाइन का एड्रेस लिखते हैं तो डाउनलाइन का एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं, और अल्टरनेट शिपिंग एड्रेस लिखते हैं तो हमें पिन कोड नंबर लिख के पूरा एड्रेस लिखना है। ये सब भरने के बाद हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्ट करना कि नीचे हमने कूरियर सिलेक्ट किया है कि नहीं। अगर हम कूरियर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो सेल्फ पिकअप करना पड़ेगा। सेल्फ पिकअप करने के लिए या यहाँ वेयरहाउस का एड्रेस होगा या एमएससी का एड्रेस होगा। तो आपको ये चीज बहुत याद रखनी है कि आप हमेशा कूरियर सिलेक्ट करें। कई सिटीज में यहाँ पे प्राइम भी आएगा, प्राइम मतलब सेम डे डिलीवरी, तो आप प्राइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको प्राइम है तो सेम डे डिलीवरी 11 बजे से पहले आपने शॉपिंग किया तो शाम को 6 बजे से पहले आपके घर पे शॉपिंग आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने में मैंने यहाँ पे ग्राफिकल यूज किया हुआ है और एक सर्च बटन है यहाँ राइट हैंड कॉर्नर में, और मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ सर्च करूंगा और सर्च पे एक प्रोडक्ट डालेंगे, हम सर्च पे प्रोडक्ट डालेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम यहाँ से प्रोडक्ट का क्वांटिटी ऐड करके हम ऐड कर सकते हैं। तो हम ऐड करेंगे तो ऊपर जो टॉप कॉर्नर है उसमें अमाउंट ऐड होगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट ऐड होगा, यहाँ पे डीबी प्राइस ही शो करेगा, डीवी और पीवी शो नहीं करता है। तो बिलिंग के क्वांटिटी, ऐड टू कार्ट और टोटल वैल्यू हमें यहाँ से दिखने को मिलेगी। तो हम नेक्स्ट करेंगे तो हमें ये टेबुलर में मैंने किया, अगर ग्राफिकल से मैंने टेबुलर में किया तो टेबुलर फॉर्म में प्रोडक्ट का कोड आएगा, नाम आएगा, लॉयल्टी में ये प्रोडक्ट है कि नहीं वो आएगा, वजन कितना है, क्वांटिटी में यहाँ भर सकता हूँ, एमआरपी, डीपी, पीवी एंड बीवी सब कुछ कॉलम वाइज दिखाई देगा। मैं यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ से सर्च किया PC20 तो मतलब कोड नंबर PC20 वाली सब प्रोडक्ट है जिसमें पहले तीन अक्षर PC20 है, वही प्रोडक्ट मुझे स्क्रीन पे दिखाई देंगी और यहाँ पे उनको प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऐड करके मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया DUZ तो मुझे DUZ से शुरू होने वाली प्रोडक्ट खाली दिखाई देगी। मेरे पास दो ऑप्शन है, कोड नंबर पे सर्च करने के लिए और नेम पे सर्च करने के लिए। सिमिलरली अगर आपको प्राइस पे सर्च करना है तो आप प्राइस पे भी सर्च कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1099 लिखा हुआ है तो 1099 एमआरपी, डीपी, बीवी या पीवी कोई भी चार चीज में से एक है तो वो भी प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी कि जो प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ प्राइस के हिसाब से। जब ये फाइनलाइज करता हूँ और ये कार्ड फाइनलाइज करता हूँ और नेक्स्ट जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपने प्रोडक्ट जब ऐड कर लिया और आप नेक्स्ट करते हो तो आपका प्रोडक्ट का समरी पेज बनता है। यहाँ पे जो समरी पेज बनता है उसमें आपको राइट हैंड साइड कॉलम में समरी में आपको टोटल बिल कितने का हुआ, आप यहाँ से भी क्वांटिटी प्लस माइनस कर सकते हो कि आपका बिल 900 रुपीज का हुआ है, आपने क्वांटिटी चेंज की तो आपको 1000 रुपीज पे चला जाएगा तो आपको ऑफर मिलेगी। फिर अगर आपकी ऑफर ज्यादा हो गई है, मतलब 1200 का प्रोडक्ट हो गया है, तो आप यहाँ से ट्रैश बिन में से प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हो और फिर हम आगे क्वांटिटी चेंज करके ये कर सकते हैं। यहाँ पे अभी तक हमें पीवी नहीं दिखाया जाता कि 100 पीवी है, 26 पीवी है, हमें पता नहीं चलता, उसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। आगे जाने से पहले हमें ऑफर लेनी बहुत जरूरी है, हर महीने की ऑफर होती है। ऑफर चुनने के लिए हमें हमारे एमसीए नंबर और नाम जो लिखा है उसके उस पर ऊपर क्लिक करना है। अगर हम उसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो ऑफर नहीं दिखाई देगी। जब हम ऑफर नहीं दिखाई देगी तो हमारा ऑफर चला जाएगा। तो हम नाम पे क्लिक करते हैं। वॉइस इज गॉन, जस्ट अ मिनट, इट इज कमिंग ऑन अस, वॉइस इज क्लियर, इट इज आवाज आ रही है सर, क्लियर है सर।
आपका इंटरनेट देखिए. हाँ इट्स ओके. आई कंटिन्यू. जब हम नाम पे क्लिक करते हैं तो कितनी भी ऑफर्स है वो खुलती है. अभी यहाँ पे इतनी ज्यादा ऑफर्स क्यों खुली है? सी कई लोग का एक्सपीरियंस होगा जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग किया है कि दो ही चीज आई, एक तो गो विदाउट ऑफर और रीपर्चेस प्रोग्राम. लेकिन यहाँ पे सब ऑफर्स दिखती है जो मोदी केयर में ये महीने पे अवेलेबल है. इसका एक ही रीजन है कि मैंने कार्ट के अंदर अर्बन कलर भी सिलेक्ट किया हुआ है, एनवायरो चिप भी सिलेक्ट किया हुआ है. तो अगर आपकी स्पेशल ऑफर है रीपर्चेस प्रोग्राम के ऊपर वाली, तो ये सब ऑफर्स भी आपको यहाँ पे दिखने लगेगी. तो ये ऑफर्स को देख के हमें ये ऑफर सिलेक्ट करना है और फिर हमें नेक्स्ट करना है. तो यहाँ पे जब हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हम कार्ड को प्रीव्यू कर सकते हैं. अगर हमारे एम वॉलेट में पैसा है तो एम वॉलेट से पैसा डायरेक्ट पे कर सकते हैं, और पे ऑनलाइन है तो हमें पे ऑनलाइन करना है. तो हम आगे जाएंगे और कार्ड को प्रीव्यू करेंगे. तो कार्ड को मैंने रीपर्चेस प्रोग्राम लिया था, तो कार्ट में मैंने प्रीव्यू किया तो मुझे दो प्रोडक्ट्स फ्री मिले हैं ये बिल में, तो वो मुझे दिखाई देगी फाइनल कार्ड प्रीव्यू करने से पहले. और हम मोबाइल पेमेंट गेटवे करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड पेमेंट ऑप्शंस भी आ जाएगा. अब हम जाते हैं ऑर्डर्स की, प्रीवियस ऑर्डर्स की समरी देखते हैं. तो प्रीवियस ऑर्डर्स की समरी है जो ऑर्डर्स आपने किए हुए हैं, तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है स्टेटस. अगर आपका पेमेंट फेल हुआ है कोई भी रीजन से, कोई भी रीजन मतलब इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, आपका कार्ड वैलिड नहीं हुआ, या तो नहीं पेमेंट करना है. अभी जब मैंने डेमो बताया तो मुझे पेमेंट नहीं करना था, तो मैं वापस आ गया बैक करके, तो ये पेमेंट पेंडिंग रहेगा. पेमेंट सक्सेस होना बहुत जरूरी है. अगर आपको बीवीपी मिलता है, मैंने देखा है कई लोगों को बिल बनाते हैं, पेमेंट किया उनको लगा लेकिन मैसेज पढ़ा नहीं सक्सेस या पेंडिंग, एक महीने के बाद मुझे चेक तो बिल्कुल नहीं आया, मैंने उनको रिपोर्ट जाकर देखा तो पेमेंट पेंडिंग था. ये पेमेंट सक्सेस होना बहुत जरूरी है. ऑर्डर नंबर पे क्लिक करोगे तो आप ऑर्डर नंबर के क्लिक करने से आप पूरा ऑर्डर आप प्रिंट भी कर सकते हो, और इनवॉइस नंबर पे क्लिक करोगे तो आप इनवॉइस भी पूरा क्लिक कर सकते हो. जब हम ऑर्डर नंबर पे क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑर्डर प्रिंट करके हमें आएगा जिसमें यहाँ पे ऊपर रेड में सक्सेस या पेंडिंग लिखा होगा, कंसल्टेंट का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, हमने कौन सी प्रोडक्ट्स ली थी और उसका पीवी बीवी डीपी वैल्यूज क्या है वो लिखाई देगी. ये यहाँ से नीचे एक प्रिंट बटन है, वो प्रिंट बटन दबा के आप प्रिंटर पे प्रिंट भी कर सकते हो. अब हम जाते हैं सेल्स हमारा कितना हुआ. तो कैटेगरी वाइज सेल्स रिपोर्ट हमें देखना है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये सेल्स रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हमने एक पर्टिकुलर डेट रेंज ली है कि पूरा एक महीना लिया है, तो एक महीने में मेरा घर का कंजम्पशन क्या क्या है. तो मैंने स्किन केयर में इतनी प्रोडक्ट्स ली है, अर्बन कलर में इतनी ली है, फूड एंड बेवरेजेस में इतना शॉपिंग किया हुआ है, उसका समरी रिपोर्ट हमें यहां से मिल सकता है. आगे जाते हैं, रीपर्चेस प्रोग्राम स्लैब्स. अभी आरपीपी स्लैब्स मेन क्या है कि रीपर्चेस प्रोग्राम जो चार प्रकार के, 1000, 2000, 3000 और 4000, 5000, लेकिन यहाँ पे आरपीपी स्लैब्स है नंबर 1, 2, 3 और 4. तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि स्लैब टेकन मतलब चार नंबर का स्लैब लिया हुआ है, 5000 की शॉपिंग की है. नीचे दिखाई देगा कि टोटल स्लैब्स अवेलेबल आर 11,000 रुपीस, टोटल स्लैब अमाउंट इज 5000, टोटल स्लैब अमाउंट इज 5000 एंड पेंडिंग स्लैब अमाउंट इज 6000 रुपीस. मतलब 1000, 2000, 3000 का स्लैब लेना बाकी है. तो आपको ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है शॉपिंग करने के लिए, और अगर अपना खुद का देखना है या तो डाउनलाइन का भी देख सकते हैं. इसमें अब हम जाते हैं
नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर स्टेटस। डीपी ट्रेनिंग और फॉर्म सेंटर्स, ये सब डाउनलोडेबल है। तो पहले हमने डीपी सेंटर देखा और फॉर्म सेंटर देखा, इसमें सब चीज डाउनलोडेबल है। तो डाउनलोडेबल चीज है तो आप खुद डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और ये फॉर्म में, फॉर्म सेंटर्स में मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अगर एनईएफटी बाय स्नेल मेल या तो पोस्ट में भेजना है तो आप यहाँ से एनईएफटी का फॉर्म डाउन करना और उसको प्रिंट करके उसमें चेक डिटेल्स ऐड करके आप नियरेस्ट एमएससी को भेज दो। तो आपको ऑर्डर कैंसिल करना है तो ऑर्डर कैंसिल सेम डे पे ही होता है। अगर आपने सेम डे पे भेजा तो वहां से फॉर्म प्रिंट करना है, उसमें सब डिटेल्स भरनी है, उसको स्कैन करके व्हाट्सएप पे या ईमेल पे आपको सपोर्ट में भेजना है। तो सेम डे अगर आप भेजोगे तो कैंसिल होगा। प्रोडक्ट रिटर्न करना है तो प्रोडक्ट रिटर्न करने के लिए यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है, वो फॉर्म फिलअप करना है, फोटोग्राफ्स ऐड करना है और रीजन देना है कौन से रीजन से मैंने प्रोडक्ट वापस दी। कस्टमर ऑर्डर नहीं मिला है तो उसका भी यहाँ कर सकते हो। काफ मतलब कंसल्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको फिजिकली कंसल्टेंट को अप्लाई करना है, फॉर्म भर के भेजना है तो आप ये यहाँ से कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑर्डर देना है तो प्रोडक्ट ऑर्डर और कैटलॉग भी प्रिंट यहाँ से कर सकते हो। तो ये सब चीज फॉर्म सेंटर में है। फिर यहाँ पे हम बिजनेस टूल्स में जाएंगे तो बिजनेस टूल्स में ट्रेनिंग एंड प्रेजेंटेशन है। तो ट्रेनिंग एंड प्रेजेंटेशन का मतलब है आपको किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, आपको सब कैटेगरीज की चीज डाउनलोड करने को यहाँ से मिल सकती है। तो आप कोई भी चीज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, हर एक प्रोडक्ट के कैटलॉग, प्रोडक्ट के लीफलेट, बराबर। वहां पे डाउनलोड एनी डेस्क के अगर आपको करना है तो कर सकते हो, जो मोदी केयर का है और एक रिंगटोन है। तो ये चीज सब हमें डाउनलोड करने को भी मिलती है। अगर आपको कोई सर्विस लेना है मोदी केयर सपोर्ट से, और फोन पे जब हम बात करते हैं तो कभी कभी वो रिकॉर्ड करते नहीं करते वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक सर्विस लेनी है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली मोदी केयर की वेबसाइट में जाओ और आपको जनरेट अ न्यू सर्विस रिक्वेस्ट में जाओ ऑर्डर बाय वॉइस। तो आपको यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर लिखना है जो प्रीवियस ऑर्डर में से कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर सकते हो, और आपका रिपोर्टिंग क्या करना है, शॉर्टेज करना है, डैमेज करना है, डिलेड डिलीवरी करना है, क्वांटिटी इश्यू है, क्वालिटी इश्यू है या ऑर्डर कैंसिल करना है। तो ये सब चीज आप यहाँ से सर्विस रिक्वेस्ट SR आप जनरेट कर सकते हो और ये सर्विस रिक्वेस्ट डायरेक्टली उनको मिलेगा। इसके बाद एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म सब फिलअप करना पड़ेगा और फिलअप करने के बाद आप वो सबमिट करोगे तो वो सबमिट हो जाएगा। टिप ऑफ द डे, टिप ऑफ द डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें 150 से ऊपर टिप्स है, हर एक टिप के ऊपर एक व्यू और डाउनलोड दिया हुआ है। इसमें काफी चीजें ऐसी है जो आप शेयर भी कर सकते हो और आपको खुद को समझने के लिए, ये मोदी घर का एक्सक्लूसिव चीज है। कई चीज होती है कि जो हमें पता नहीं चलती, तो टिप ऑफ द डे में जो ऑप्शंस है वो काफी, अभी मैंने बिजनेस इंफॉर्मेशन की जगह पे अगर कंपनीज है, कॉन्टेक्ट अस है, डीपी कैसे खोलना है, KYC कैसे करना है, लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है, प्रमोशन कैसे करना है, रिकॉग्निशन कैसे करना है, ये सब चीज यहाँ पे लिखी हुई है। पर ये लिखी हुई हम पढ़ने से हमारा नॉलेज भी बढ़ता है और हमारे डाउनलाइन को हम नॉलेज भी दे सकते हैं। तो टिप ऑफ द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक्टिव ऑफर्स, यहाँ पे सब ऑफर्स ये महीने की आपको देखने को मिलेगी, कब स्टार्ट होती है और कब खत्म होती है। आपको किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है कि ये ऑफर ये महीने मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे ऑफर दिख जाएगी और आपको ये सब ऑफर्स का एडवांटेज लेने आना चाहिए। आंसर टू योर क्वेरीज, यहाँ पे जो है चार डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास, ऑफर है, ऑफर एंड कूपन्स है, प्रोफाइल है, कमीशन है और एम वॉलेट है। आपको अगर कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी है तो ये क्वेरी का जवाब ऑनलाइन ही कंपनी देती है। तो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ये ऑनलाइन चैट में आपके साथ बैठे हुए हैं, यहाँ नीचे राइट हैंड साइड में रोहिणी है, तो रोहिणी जो है वो आपको चैट का जवाब यहाँ से ऑनलाइन, अगर आप ऑर्डर नंबर लिखोगे तो आप जैसे फोन करते हो वैसे रोहिणी यहाँ जवाब देगी आपको और आपका क्वेरी सॉल्व कर लेगी। SBPM Academy, जो ये SBPM Academy कॉर्नर में है, अभी सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर
वो एक नई वेबसाइट खोलता है और ये नई वेबसाइट कैसे खुलता है वो हम देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर। अगर हमने ये ओपन किया तो training.modicare.com नया पेज ओपन होगा, उसमें आपका MCA नंबर और नाम अपने आप ओपन हो जाएगा क्योंकि आपने मोदी केयर की वेबसाइट से किया है। यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग मटेरियल है, बिजनेस ट्रेनिंग है, मोदी केयर बिजनेस है, अंजना एंड शिवानी प्लीज म्यूट योर सेल्फ, बिजनेस ट्रेनिंग है, मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, डाउनलोड्स है, कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ एथिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, moodycare.com का वेबसाइट का बेनिफिट्स है, एग्रीकल्चर अर्बन कलर सबकी ट्रेनिंग मटेरियल यहाँ पे ही मिलेगी आपको। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे रिपोर्ट्स में हमने देखा कि अभी हम देखेंगे फ्रंटलाइन टारगेट रिपोर्ट। ये फ्रंटलाइन टारगेट रिपोर्ट कब आएगा कि जब आपकी टीम में कोई है, अगर आपकी टीम में कोई नहीं है तो फ्रंटलाइन टारगेट रिपोर्ट में खाली आपका ही नाम आएगा, लेकिन आपके फ्रंटलाइन में मतलब पहली लाइन में कौन कौन है उनका रिपोर्ट आएगा, तो उनका नाम, MCA नंबर, कितना PV हुआ है नहीं हुआ है उसका। फिर अगर आपको डाउनलाइन का देखना है तो आप किसी का भी डाउनलाइन का नंबर यहाँ लिख के आप उनका रिपोर्ट देख सकते हो। फिर आता है टोटल एक्टिव रिपोर्ट, तो ये महीने में कौन कौन कितने एक्टिव है। अगर आपकी टीम 100 से ऊपर है लेकिन आपको देखना है कि मेरी टीम में कौन एक्टिव है, तो आपको खाली 15 लोग जो एक्टिव है उनका ही नाम दिखाई देगा। यहाँ पे मोदी केयर में मोबाइल नंबर कहीं पे दिखाई नहीं देता है, लेकिन टोटल PV दिखाई देगा। और हम देखते हैं एनरोलमेंट स्टेटस, क्योंकि जब हम काम करना शुरू करते हैं तो एनरोलमेंट कहीं से भी आता है। आपकी टीम में किसी ने एनरोल किया और आपको मालूम नहीं है तो आपकी टीम का पूरा एनरोलमेंट रिपोर्ट ये महीने का यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आता है टोटल न्यू ज्वाइनिंग रिपोर्ट, तो ये न्यू ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है, तो न्यू ज्वाइनिंग में प्रीवियस मंथ का छोड़ के ये महीने से किसने ज्वाइनिंग किया है वो आ जाएगा। बोनस रिपोर्ट, बोनस रिपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस बोनस रिपोर्ट यू कैन प्रिंट इट एंड कीप अ फाइल ऑन इट एवरी मंथ। आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी टू प्रिंट देयर बोनस रिपोर्ट। यहाँ मंथ चेंज करना है, सिलेक्ट करना है और बोनस रिपोर्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आपको PDF फाइल प्रिंट भी कर सकते हो और PDF फाइल डाउनलोड करके कंप्यूटर पर सेव करते हो। PDF फाइल डाउनलोड करते हैं तो एक पासवर्ड आता है, जो पासवर्ड होता है उसमें आपका ही MCA नंबर जो मोदी केयर का है उसका पासवर्ड चलता है, और वो प्रिंट करने से आपको ऐसा मोदी केयर का प्रिंटेड बोनस रिपोर्ट मिलेगा। और ये बोनस रिपोर्ट के हिसाब से आप देख सकोगे कि ये आपका एक सर्टिफिकेट होगा, नाम, आपका MCA नंबर और कंपनी का जो VP है उन्होंने साइन करके आपको कैसे कैसे कैलकुलेशन किया है, कितना टोटल BV हुआ, कितना पॉइंट वैल्यू हुआ और मल्टीप्लायर्स क्या क्या है वो सब दिखाई देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्रेजेंटेशन। आई वांटेड टू कंप्लीट बाय 7 o'clock। आई हैव गॉट 2 मोर प्रेजेंटेशंस बट आई वुड टेक इट आफ्टर दैट बिकॉज 1 hour 102 slides was a tough job. I got 2 more presentations. Another is also 102 slides. Other is of 52 slides. So we'll do this later on. But for today, I'm stopping this presentation and. Thank you so much, sir. Thank you so much. So, आप किसी के कोई सवाल है? आपको कुछ कहना है आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यू कैन एवरीवन कैन अनम्यूट, आपके बैकग्राउंड नॉइज नहीं आए, कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नीलम सर, ओवर टू यू। यस यस सर, के मैंने एक्चुअली किसी को अल्टरनेट एड्रेस पे आप कुछ परचेज करके ऑडियो चालू है। जब ऑल्टरनेट एड्रेस पे आप किसी को कुछ ऑर्डर करते हैं क्या सर, वापस सवाल रिपीट कर सकते हो? सॉरी, जब ऑल्टरनेट एड्रेस पे आप किसी को कुछ भेजते हैं, मैं अपने कोई फ्रेंड को कुछ भेज रहा हूँ, उसका नाम नहीं टाइप कर सकता हूँ, उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट ऑलरेडी भेज दी है मोदी का IT डिपार्टमेंट में, एक हफ्ते में हो जाना चाहिए ऐसा उन्होंने बोला है, और एड्रेस अलग से आना चाहिए क्योंकि अभी
ये पर्टिकुलर टेक्निकल प्रॉब्लम है, अप्रैल महीने से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, बट रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी है। ओके मैंने भी डायरेक्ट ईमेल लिखा था, मैंने बात की है आईटी डिपार्टमेंट से, डायरेक्टली बात किया और उनको स्क्रीन पे भी ये बताया हुआ है, मैंने स्क्रीन वैसे जूम सेशन करके उनको 1-to-1 हमने दिखाया हुआ है कि ये यहाँ पे ऐड होना चाहिए, एक नाम का बॉक्स होना चाहिए और नाम के बॉक्स के नीचे लिए एड्रेस होना चाहिए और वही एड्रेस डिलीवरी पे प्रिंट होना चाहिए, न कि मेरा नाम जिसने बिल किया है उसका। एक क्वेरी और है। हाँ सर। क्या होता है जब हम शॉपिंग करते हैं, अचानक से कोई काम के लिए आप टूट गए, आपके कार्ट में जितना सामान पड़ा है आप टाइम आउट कार्ट से सारा सामान वो हैव टू स्पेंड द होल टाइम अगेन लाइक यू गो टू अनदर यू नो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप देखते हैं पड़ा रहता है दो दिन, आप नेक्स्ट हो सकता है आइटम अवेलेबल नहीं हो। सी ये एक्चुअली एक फीचर है, फीचर क्यों है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं के लास्ट डे पे जब बिलिंग बनाते हैं, अगर आपको लास्ट डे पे बहुत बिल बनाने हैं आखिरी दिन में, तो आप क्या करोगे, दो कंप्यूटर पे दो आदमी को बिठा दोगे और दोनों खोलेंगे, आपके ही एमसी नंबर से दो तीन लोग बैठ के वहां बिल बना रहे हैं, तो कई ऐसे भी लीडर्स हैं जो मल्टीपल बिल्स और मल्टीपल कंप्यूटर से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये उसका एमसीए नंबर से कंट्रोल होता है, तो मिक्स नहीं हो जाए, इसकी जगह पे वो लॉगिन करता है तब नया जनरेट होता है और वो सेशन जब एक्सपायर होता है तो वो कार्ड खाली हो जाता है, तो ये एक फीचर भी है, अगर ये रिक्वेस्ट करना है और कार्ड में भरा रहना चाहिए तो अलग से हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मोदी केयर मोबाइल ऐप में भी ऐसा है कि कार्ड खाली हो जाता है, वेबसाइट में भी है कार्ड खाली हो जाता है, कार्ड में चीज पड़ी नहीं रहती, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का एक्सपीरियंस है कि कार्ड में चीज पड़ी रहती है सालों सालों तक। यस पातंजलि जी, I am okay. Enjoyed your lesson, sir. Very good. I'm trying to learn. Thank you. Thank you, sir. Sir, really, सब कुछ कवर किया आपने, जो काफी सारी चीजें ऐसी है कि कोई नहीं जानता होगा। तो आपको ये पीडीएफ फाइल भी ग्रुप में मिल जाएगा और पीडीएफ फाइल इसका हमेशा ऑनलाइन पड़ा रहेगा, ssf.team/mca/pdfs में ये पड़ा रहता है और ये यहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो और पीडीएफ फाइल में से आप देख सकते हो, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे शाम से पहले। यस राजेश सर, जो एनईएफटी में हम जो नाम लिखते हैं ना, आपने कहा जो बैंक में नाम है वो लिखना है, चेक पर जो नाम है वो, तो आई थिंक मैंने अभी वो क्वेरी एक फेस की थी, वो रिजेक्ट हुआ था एनईएफटी और उसमें लिखा हुआ था योर नेम इन मोदी केयर इज डिफरेंट देन दिस, तो अगर हम आधार कार्ड वाला नाम लिखेंगे तो फिर वहां क्वेरी आएगी, तो उसमें क्या किया जा सकता है बेस्ट? देखो आपको अगर नाम, ये डिफरेंट नाम होने के रीजंस एक ही मेजर डिफरेंस है कि शादी से पहले नाम अलग था, आधार कार्ड में शादी से पहले नाम था, शादी के बाद बैंक अकाउंट खोला तो चेकबुक में नाम अलग प्रिंटेड है, तो आपको वहां पे एनईएफटी रिक्वेस्ट फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड में है वो प्रिंट करके उसमें सब चीज लिख के आपको वो फॉर्म फिजिकली सब सर्टिफिकेट्स के साथ जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट और वो सब चीज कंपनी को सबमिट करनी होती है और आधार कार्ड अप्रूव हो जाएगा। देखो तो मेरे भी नाम में, मेरा नाम है नीलम डॉक्टर, रुचि का नाम है रुचि डॉक्टर, लेकिन हमारा बैंक में नाम रुचि नीलम डॉक्टर है, मोदी घर में खाली रुचि नीलम है, डॉक्टर है ही नहीं, तो भी अप्रूव होता है, तो अप्रूव करने का प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे तो अप्रूव हो जाएगा। कभी कभी हमें फिजिकली चीज भेजनी पड़ती है बाय स्नेल मेल। ओके नीलम सर, आज का सेशन काफी नॉलेजेबल था, बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि एक साथ हो गई, लेकिन आपका जो रिकॉर्डिंग आएगा, जानवी इफ यू हैव अ क्वेश्चन आस्क मी राइट नाउ, आई डोंट वांट टेस्टिमोनियल्स। ओके या पर सर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि एसएसएफ मॉल भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जैसे मुझे एक घंटा और चाहिए, अगर आपके पास एक घंटा है तो अभी मैं सिखा सकता हूँ सब लोगों को, क्योंकि मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि 7 बजे से पहले खत्म करना है, तो आई वाज ऑन टाइम, आई स्टार्टेड एट 6 एंड एंडेड एट 7। परफेक्ट। ओके और
कोई सवाल? थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और कोई सवाल है किसी का? बकुल सर जी, सवाल तो नहीं है, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि हम जो भी पार्टिसिपेंट्स है उसका करेक्ट नाम और फोटो आज शाम तक पहुंच जाना चाहिए अपने लीडर के पास, तो सर्टिफिकेट में हम इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। और इतना बढ़िया सर्टिफिकेट बन रहा है और उसके अंदर आपका फोटो भी अच्छा नहीं है और आपका नाम भी अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक है तो मजा नहीं आएगा। ओप्पो 7080 नाम लिख के सर्टिफिकेट बना है तो मजा नहीं आएगा। तो नाम तो स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। अगर बंसीधर जी का स्पेलिंग ही में गलत चौधरी का लिखता हूं तो सर्टिफिकेट का मीनिंग नहीं है। एक आदमी से रिक्वेस्ट है अपने लीडर्स को आज शाम तक अपना करेक्ट नाम और अपना फोटोग्राफ अच्छा वाला, सुबह वाला नहीं, सुबह वाला सब लफड़े होते हैं। बकुल सर, बकुल सर, ओप्पो और गैलेक्सी वालों की प्रेजेंस गिनी नहीं जा रही है। हाँ, बट हमको सबको गिनना है और सबको एनकरेज करना है, तो सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना करेक्ट नाम